हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्फिनिक्स के नोट 7 की बात करेंगे। इसकी स्पेक्स क्या होने वाली, क्या इसका प्राइस होगा और इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है, तो ये सब वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसका स्क्रीन साइज़ होगा 6.95 इंच की IPS LCD HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1640 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा और इसकी एस्पेक्ट रेशो होगी जो 20.5:9 की एस्पेक्ट रेशो होगी और ये 480 निट्स की ब्राइटनेस पे इसकी डिस्प्ले अवेलेबल होगी। यानी कि अगर आप सनलाइट में फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों इसे ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो 7 इंच की लगभग डिस्प्ले है इसमें फ़ोन में, जो कि मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा ओवर साइज़ है। इसका डिस्प्ले का साइज़ है लगभग, यानी कि 7 इंच की ही डिस्प्ले है। अगर इसकी डिस्प्ले साइज़ 6.45 तक होती तो वो बेहतर होती। अगर आप फ़ोन में ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखते हैं तो फिर आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। और फ़ोन के फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद हम मेन कैमरा की बात करते हैं दोस्तों। इस फ़ोन का कैमरा सेटअप है जो सर्कुलर क्वाड कोर और साथ में क्वाड LED फ्लैश देखने को मिलेगी दोस्तों आपको। मेन जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल विद 1.8 के ऑटो फोकस लेंस के साथ देखने को मिलेगा और बाकी जो 3 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के वो कैमरे हैं। यानी कि इस फ़ोन से आपकी जो इमेज क्वालिटी है ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और आजकल के ज़माने में सेल्फ़ी कौन ले लेता है, इसमें सेल्फ़ी के लिए भी अच्छा खासा कैमरा दिया गया, 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और जो मेन कैमरा और सेल्फ़ी के लिए दोनों से आप है 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस फ़ोन में प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक का ओक्टा कोर हीलियो G70 12nm पे बेस्ड है और जिसके 8 कोर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए 2x6 पे, यानी कि 2 कोर हैं जो वो 2GHz कोर्टेक्स A75 पे और 6 कोर हैं वो 1.7GHz कोर्टेक्स A55 पे बेस्ड हैं और इसका जो GPU है माली G52 है। तो यानी कि ये जो प्रोसेसर है गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो इस फ़ोन से आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है और साथ में इस फ़ोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी होगी और 2 4 128 और 6 128 का 3 वेरिएंट ये देखने को मिलेंगे। अगर आप मेमोरी और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 2TB तक आप है इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी। बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में दोस्तों 5000mAh की विद 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगी। यानी कि बैटरी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बैटरी अच्छी खासी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। चार्जिंग के लिए इसमें आपको USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा और सेंसर है जो साइड फिंगर सेंसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा दोस्तों। और कलर की बात करिए, 3 कलर में अवेलेबल होगा फ़ोन, फॉरेस्ट ग्रीन और बोलीविया ब्लू और एथर ब्लैक, 3 ये कलर आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेंगे। फाइनली अब प्राइस की बात करें तो ये देखिए फ़ोन है जो 9500 से लेकर 10000 के बीच आपको फ़ोन मिल सकता है। ये फ़ोन 16 सितंबर से 12 बजे के बाद फ्लिपकार्ट की साइट पे आपको ये फ़ोन मिल जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल हम फ़ोन की बात करें तो देखिए मुझे एक बजट स्मार्टफोन के रूप में ये नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे कहीं भी कोई कमी नहीं नज़र आई फ़ोन में। माना कि ये डिस्प्ले का थोड़ा ओवर साइज़ है, मतलब यानी कि ज़्यादा दिया हुआ है, यानी कि उसमें भी कोई कम नहीं दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। ये मेरा ओपिनियन है कि एक बजट स्मार्टफोन हो सकता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर जानकारी दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, शुक्रिया।